अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन को स्टडी करेंगे और इसके सेकंड डिफेक्ट को हम स्टडी करते हैं कि जिसमें फार साइटेडनेस। इससे पहले हम नियर साइटेडनेस को डिस्कस कर चुके हैं। फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। फार साइटेडनेस ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है जिसमें पीपल कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, कि ये ऑब्जेक्ट जो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट हैं इनको वो क्लियरली अपने रेटिना पर फोकस नहीं कर पाते। ऐसे डिफेक्ट को हम फॉग साइटेडनेस कहते हैं। नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती, इसी वजह से बुक रीडिंग में प्रॉब्लम होता है। कुछ स्टूडेंट्स जिनको बुक रीडिंग नहीं हो रही होती, ब्लर इमेज नज़र आती हैं, तो उनको हम कहेंगे कि इनमें फॉग साइटेडनेस मौजूद है। इनका जो आई है वो इमेज को जो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट हैं फोकस नहीं कर रहा है रेटिना पर। इस वजह से रेटिना पर जो बनने वाला इमेज है वो ब्लर इमेज बनता है और इसका इमेज ऑफ द नियर ऑब्जेक्ट फोकस बिहाइंड द रेटिना। इस डिफेक्ट के दौरान जो इमेज होता है वो बिहाइंड द रेटिना बनना शुरू हो जाता है। रीज़न क्या होती है उसकी? दो रीज़न्स हो सकते हैं। साइज ऑफ आई बॉल बिकम स्मॉल, या तो आई बॉल का साइज छोटा हो गया है, या फिर लेंस बिकम थिन, पहले से लेंस थिन हो गया। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि थिन लेंस की फोकल लेंथ लॉन्ग होती है, वो रेस को कम डाइवर्ज करता है। इस वजह से रेस कम डाइवर्ज होने की वजह से वो मीट करने में बहुत दूर जाकर मीट करती है और उसकी वजह से जो इमेज रेटिना पर बनना था नियर ऑब्जेक्ट का वो नहीं बनता। ये एक नॉर्मल आई दिखाई गई है जिसका इमेज रेटिना के ऊपर बन रहा है। जब आई साइज का आई बॉल का साइज छोटा हो जाएगा तो जो इमेज की पोजीशन है वो बिहाइंड द रेटिना चली जाएगी, रेटिना के ऊपर शार्प इमेज नहीं बन रहा है। नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट का इमेज इस लेंस ने जो फोकस किया है उसी तरह फोकस किया है जहाँ पहले रेटिना था, लेकिन आई बॉल का साइज छोटा हो जाने की वजह से इमेज जो है वो रेटिना से पीछे बन रहा है। ब्लर इमेज रेटिना के ऊपर क्रिएट होगा जिसकी वजह से उसको नज़दीक वाली चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं दे। दूसरी वजह ये हो सकती है कि सपोज आई बॉल का साइज चेंज नहीं हुआ है, दूसरी वजह ये हो सकती है कि उसका लेंस जो है वो थिन हो गया है। पतला लेंस हो जाने की वजह से आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो रेस को कम डाइवर्ज करता है, तो कम डाइवर्ज करने की वजह से ये रेस पीछे जाकर कहीं और पॉइंट पर मीट करेगी, जिस वजह से इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना बनेगी। प्रिंसिपल फोकस लॉन्ग हो जाने की वजह से ये जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास आ रही थी, अभी वो प्रिंसिपल फोकस इसका दूर हो गया है लेंस की थिकनेस कम हो जाने की वजह से, जिसकी वजह से इमेज बहुत दूर बन रहा है। ऐसे में क्या होगा कि उसका जो इमेज है वो ब्लर बनेगा, रेटिना के ऊपर शार्प इमेज क्रिएट नहीं होगा। तो हम इस डिफेक्ट को कैसे रिमूव करें? इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब एनक में कन्वर्जिंग लेंस लगाया जाता है तो वो क्या करता है, कन्वर्जिंग लेंस इन रेस को पहले से ही थोड़ा थोड़ा बेंड कर देता है, रिफ्रेक्शन हो जाती है, यहाँ आई के अंदर एंटर होने से पहले ही रे थोड़ा थोड़ा बेंड हो जाएगी। तो इस तरह वो रेस जो रेटिना से बिहाइंड जाकर मीट कर रही थी अभी वो रेटिना के ऊपर आकर फोकस करेगी, तो इस तरह वो जो नियर ऑब्जेक्ट का इमेज है वो क्लियर इमेज रेटिना के ऊपर बन जाएगा। हमें तीन पॉइंट्स यहाँ भी नोट करने हैं कि ये डिफेक्ट है क्या, इस डिफेक्ट की रीजंस क्या हैं और इस डिफेक्ट को रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो पहली पॉइंट हमारा ये है कि फॉर साइटेडनेस उस डिफेक्ट को कहते हैं कि जिसमें कोई भी पर्सन नियर वाले ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली व्यू नहीं कर पाता, उसका जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर नहीं बन रहा होता, रेटिना से बिहाइंड बन रहा होता है। रीज़न इसकी क्या है? आई बॉल का साइज छोटा हो चुका होता है या थिकनेस ऑफ लेंस अफेक्टेड हो चुकी होती है, थिकनेस पहले से कम हो जाती है जिसकी वजह से लॉन्ग फोकल लेंथ हो जाती है उसकी लेंस की। और इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कंटैक्ट लेंसेज भी लगाए जा सकते हैं या फिर
ऐनक की लगाई जा सकती है जो उसको विजन में डिफेक्ट को रिमूव कर देगी। आई थिंक स्टूडेंट आपने ये दोनों डिफेक्ट्स अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए हैं और आप इनको अपनी बुक में रिवाइज कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।